हाइफा प्रेग्नेंट है। आप सभी का स्वागत है हाई फोर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट जैसे गाइस आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड के साथ में। और बोलते बोलते मेरे को यहाँ पे लग गई, मेरी लिपस्टिक खराब हो गई अक्षर। नहीं गाइस, मैं ये चीज दो बार पूछ चुकी हूँ, मम्मी मेरी लिपस्टिक खराब हो गई, फिर अभी फोन लिखा फोन लगा, फिर मैंने वापिस से पूछी। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइफा का फोन तो उसके हाथ में है। हाँ गाइस, मेरा फोन मेरे हाथ में ही है, क्योंकि आज हम Q&A वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाली हूँ। ये ब्लॉग मुझे बनाना था बाद में, कम से कम वन मंथ या वन एंड हाफ मंथ के बाद मुझे Q&A बनाना था, लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स हैं तो मुझे ये लगा कि नहीं ठीक है, आप लोगों के बहुत सवाल है, तो आज उसके मैं सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्तजाब को कोई बच्चों वाली जगह पे घुमाने ले जाओ, ये क्राउड वाली जगह पर तो वो परेशान ही हो जाएगा, बच्चों की जगह पर लेके जाइए। बच्चों की जगह देख, तो गाइस बच्चों की जगह पे हाँ हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली वहाँ गई थी और हमें नहीं पता था इतना क्राउड होगा, लेकिन वहाँ पे भी मुस्तजाब ने बहुत इंजॉय किया है। गाइज आप लोग को ऐसा मतलब अब आप लोग मतलब ये सोचोगे कि बच्चों की जगह ये है, बड़ों की जगह ये है, इधर मत लेके जाओ उधर मत लेके जाओ, तो वो चीज तो नहीं हो सकती ना गाइज। जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम तो हमारे बच्चों को लेकर जाएंगे ही, हमारे बच्चों को छोड़ के तो नहीं जा सकते। अब छोड़ के जाएंगे तो ये होता है कि आप अपने बच्चों को छोड़ जाते हो, ये करते हो करते, तो गाइज हम ले गए उसको। इस सेकंड क्वेश्चन ये है फीलिंग मोटिवेटेड की तरफ से, कि मुस्तू की ईद की पिक्स नहीं डालते हो, मुस्तू की आईडी बनाओ। सो गाइज मुस्तू की ईद की पिक मैंने इसलिए नहीं डाली बिकॉज मेरे ससुराल में अलाउड नहीं है ये सब चीजें। मैं पहले से ब्लॉगर हूँ इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं बोलता है। मुस्तजाब का इस अच्छे के लिए गाइज मना करते हैं, क्योंकि जब मैं उसकी वीडियोज ये सब डालती हूँ तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आज मैंने वीडियो डाली हूँ, कल उसको फीवर है, ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस करी हूँ, घर वालों ने नोटिस किया। तो घर वालों का ये है कि बच्चों को मतलब नजर बहुत जल्दी लगती है। गाइज आप लोग भी ये चीज मानते होंगे, हम भी मानते हैं ये चीज, हम उस पर दुआ पढ़ के फूकते हैं, नजर उतारते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत बार बार खराब होती है। ये वीडियोज में आना, वो मस्ती करता है, अभी किसकी कैसी नजर है हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में बोल नहीं सकते। रही बात आईडी की, तो गाइज मुस्तजाब की आईडी कभी नहीं आएगी। हाँ जब वो बड़ा होगा उसको अगर बनाना होगा वो बनाएगा, उसके लिए कोई मतलब मना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक वो छोटा है तब तक के तो वो हो या हमारे आने वाले बच्चे हो या जो भी है, कोई किसी की भी आईडी बच्चों के टाइम पे तो नहीं बनेगी, मतलब छोटे जब तक नहीं बनेगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा 12792 की तरफ से, आप सब्सक्राइबर का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो और कोई बात सुनते नहीं हो, ऑडियंस को पसंद है वो करे वो नहीं करते हो, आप रिप्लाई करते हो नहीं करते मतलब रिप्लाई नहीं करते। सो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, हम आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं लेकिन हम रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। अभी कितने लोग के सवाल ऐसे होते हैं, फालतू सवाल करते हैं, फालतू चीजें बोलते हैं। गाइज अभी आप लोग को आगे पता चलेगा कौन कैसे कैसे कमेंट्स करता है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम हर चीज का रिप्लाई करें, और वो हम कर भी उतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि फालतू चीजों का हम रिप्लाई करें। हाँ जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका हम रिप्लाई भी करते हैं, हम पढ़ते भी, कमेंट भी पिन करते हैं और उसका कमेंट लाइक भी करते हैं। तो अब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो उन लोगों को पता होगा जिसका कमेंट हमने पिन किए हैं और लाइक भी किए हैं। और हाँ कमेंट हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई भी कमेंट्स ऐसा नहीं है कि हम छोड़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब पे नजर रहती है हमारी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फीलिंग मोटिवेट की तरफ से, मुस्तजाब को टॉय लेकर दो, टॉय भी नहीं खेलता है बच्चा, क्यों ऐसा करते हो ये वो। सो गाइस मुस्तजाब खेलता है टॉय से, गाइज मुस्तजाब के पास भी टॉयज है। पहली बात तो ये, जब मुस्तजाब हुआ है तो मम्मी ने हम लोग को ये बोला है कि तुम लोग को मैंने कभी खिलौना लेके नहीं दिया, क्योंकि तुम लोग मतलब बड़े हुए हो बिना खिलौनों के, तो मुस्तजाब को भी नहीं लेके दे हाइफा ये वो,
पहले शुरू में मम्मी ने ऐसा बोला था, फिर बाद में जब मैं मेरे ससुराल गई वहां पे मैंने देखी हूँ कि वहां पे शहर माशाल्लाह खिलौनों से खेलती है ये वो, शहर के साथ में वहां पे मुस्तजाब के भी टॉयज है गाइज, तो मुस्तजाब और शहर दोनों मिलकर खेलते हैं। और हर चीज मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ क्योंकि नजर लग जाती है। अब हर चीज छोटी, लोग अपने बच्चों की एक एक छोटी छोटी चीजें, एक एक छोटी छोटी मूवमेंट दिखाते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मूवमेंट मैं हर चीज मेरे बच्चे की शेयर करूँ, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, क्योंकि बच्चे का क्या चीज कब क्या हो जाए, कब नजर लग जाए तो वो कोई बोल नहीं सकता है गाइस। तो ये वजह से मैं हर चीज मुस्तजाब की शेयर नहीं करती, हम मुस्तजाब के लिए शॉपिंग करते हैं वो आप लोग के साथ में शेयर होती है, हम मुस्तजाब को लेकर नहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि मुस्तजाब बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और भीड़ में क्राउड में मैं उसको मतलब जितने घंटे हम मार्केट में है उतने घंटे हम उसको गोदी मतलब लेकर ऐसा टहल नहीं सकते है, ये वजह से मैं मुस्तजाब को ज्यादातर घर में रखती हूँ, यही मतलब मेरा बेबी बैठ जाओ मम्मा बैठ जाओ, तो ये वजह से गाइज हम लेकर नहीं जाते हैं, है ना मम्मा? हाँ नहीं बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग मोटिवेट, सेम वही लड़की लड़की है या लड़का है पता नहीं है गाइज। काशिफ आपको इतना हेट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप मुस्तू को प्यार नहीं करते हैं, अगर आप मुस्तू को प्यार करोगे उसको अच्छे से ख्याल रखोगे उसकी खुशी के लिए सब करोगे तो आप खुद दिखना सब आपको, आप खुद देखना आप सबको, आप सब लोग आपको इतना प्यार करेंगे और हेट नहीं करेंगे। अभी इसलिए हेट मिल रहे हैं क्योंकि आप बेटे को ठीक से नहीं ध्यान रख रहे हो, ध्यान अगर रखोगे अपने बच्चे को थोड़ा ये वो ये कैसे आप लोग सोच सकते हो, आप लोग हमारे साथ 24 घंटा रहते हो, अक्षर मत परेशान कर, अक्षर मत कर मैं वो भी उठा रहा। आप लोग ये चीज कैसे बोल सकते हो मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग देखते हो क्या मुस्तजाब 24 घंटे, काशिफ उसको इतना गाइस प्यार करते ना जितना उसको कोई नहीं कर सकता है, मैं ये क्लियर आप लोग को एक चीज कर देती हूँ। और दूसरी चीज ये है काशिफ उसके लिए हर वो चीज करते है जो चीज की उसको जरूरत होगी, जो चीज उसको चाहिए चाहे वो खाने की चीज को लेके हो, चाहे वो पहनने की चीज को लेके हो, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो कभी काशिफ उसको मना नहीं करते हैं। और रही बात घूमने लेके जाने की सब कुछ करने की, काशिफ उसको हर जगह लेके जाते हैं गाइस, उसको जो चीज की जरूरत हो वो करते हैं। आप लोग हमारे साथ पहले तो 24 घंटा रहते ही नहीं हो तो आप लोग को हर चीजें कैसे इतनी सी देर में आप लोग को सब चीजें कैसे पता चल जाती है, आप लोग कैसे सब चीजें सोच लेते हो अपने दिमाग में, मेरे समझ में नहीं आता। और सोचते तो सोचते कमेंट भी कर देते हो, चलो खैर कुछ नहीं कर सकते आप लोगों की सोच का गाइज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एट द रेट यूजर जेड एफ थ्री एफ एस टू आई बी है आईडी है गाइज, काशिफ बेरोजगार है गाइज, ये क्या सोच के आप लोग ने कमेंट किए है, जिसने भी कमेंट किया है मुझे समझ में नहीं आता है, काशिफ बेरोजगार क्यों बेरोजगार है भाई, मेरा आदमी अच्छा खासा कमाता है, मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, अगर मैं एक मेरे मुंह से चीज निकली है वो या तो ऑन द स्पॉट होती है या तो दूसरे दिन, लेकिन होती जरूर है। कैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काशिफ का काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलता है और चल भी रहा है, अल्लाह और काशिफ को कमाने की हिदायत दे गाइज, उनकी हर चीज पूरी करें, बस मैं तो यही बोलूंगी। और गाइज ये फालतू कमेंट था इसलिए ये बताना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था, मेरा आदमी बेरोजगार नहीं है गाइज, मेरा आदमी कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजिया, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे इंशाल्लाह। किसको बात हो रही है ये? हाँ अरे ये काशिफ की मम्मी के लिए। अच्छा तो ऐसा बोलना। हाँ तो मैं बोल नहीं जा, पढ़ने ही नहीं दिया तूने। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस आला से आला मुकाम अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी भी अम्मी नहीं है, हर महरूम को जन्नतुल फिरदौस नसीम आला से आला मुकाम अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। गाइज ये काशिफ की मम्मी के लिए किसी ने कमेंट किया और गाइज इतना अच्छा लगा आप लोग ने ये कमेंट किए हो तो जजाकल्ला। सो गाइज हम फिर वापस उसी का ही कमेंट,
फीलिंग मोटिवेट. सच में काशिफ ने तो बोला वो कार का डीलर है, झूठ बोला क्या आपने देखा. गाइज हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है हम क्या काम कर रहे हैं. आप लोगों ने पूछे काशिफ क्या काम करते हैं, हमने वो चीज आप लोग को बता दी कि हाँ काशिफ कार के डीलर है. और ये हमें इसमें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है गाइज, हमें कुछ छुपाना नहीं है. जो है हम हमारा कर रहे हैं, हम हमारा सब चीज पूरा भी कर रहे हैं. तो बस ये सब चीजें आप लोग अपने ना दिमाग से ना निकाल लो गाइज, जितना आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा हमारे लिए भी अच्छा होगा. ये फालतू कमेंट आप लोग करो मत, मैं तो इतना ही बोलूंगी. और ये एक दो लोग हैं जो इतने फालतू कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये निहायती फालतू बात किए है इन लोग ने, मोसिन जोया करके आईडी है गाइस. सोफा तो ले लो यार, कैसे रह रहे हो भाई लोग सपोर्ट भी नहीं करते. तो गाइस भाई लोग सपोर्ट क्यों करेंगे, हमारे भाई ने हम लोग के लिए इतना किया है जितना मैं आप लोग को वर्ड्स में बयान भी नहीं कर सकती हूँ गाइस. और उसी का ही नीचे रिप्लाई है ये, सोफा तो और टीवी सेंटर टेबल दिला दे रहे अबरेश, सिर्फ औरत में पागल हो गया है होए जा रहा है, बहन के लिए कुछ तो कर. सो गाइस ये मैं अभी क्या ही बोलूं, मेरा भाई हम लोग के लिए क्यों करेगा, हम लोग के पास खुद नहीं है. मेरा आदमी के पास इतना है, वो हम लोगों के लिए खुद से कर सकता है. हम एक टाइम का वेट कर रहे हैं, हमने सोफा भी देख लिया है, सब कुछ कर लिया है. हाँ हमें डालना है, लेकर आना है, लेकिन हम एक टाइम का वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जरूर होगा. मेरा भाई हम लोग के लिए क्यों करेगा, मेरे भाई ने हम लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है गाइस. तो ये सब फालतू कमेंट करना जरा सोचो, लिखने से पहले सोच लिया करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कैफ की तरफ से, हाँ अंडे पाव बेच रहा था, हाँ अंडा पाव बेच रहा था. सो गाइज ये अंडा पाव में काशिफ के दोस्त की एक स्टॉल थी जो उन लोग ने चांद रात वाले दिन लगाए थे, तो वहां पे अगर काशिफ खड़े हो गए अपने दोस्तों के साथ में कोई बड़ी बात नहीं है गाइज. अगर हमारा भी ये काम होता तो हम करते, हम शर्म नहीं करते गाइज. डाउन टू अर्थ गाइज, यस हम अगर छोटी सी एक स्टॉल लगा लेते, अभी की बात कर रही हूँ गाइज मैं, चाहे वो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता गाइज. हमसे छोटे लोग बोल रहे हैं, अक्षद और जाहिद, बिलाल और जाहिद बोल रहे हैं यहाँ पे इसके पीछे. तो अगर हमारा भी होगा तो हम भी शर्म नहीं करेंगे, वो वड़ा पाव हो, अंडा पाव हो, जो भी हो, जो भी चीज की स्टॉल हो. अभी तो यही चाय, अंडा पाव, वड़ा पाव, यही वाले ज्यादा कमा रहे. सही बात है, दिन में लोग नहीं हजारों रुपए कमा लेते गाइस. हाँ चाय की दुकान खोलते, मैं चाय बना लूंगा, तू वो कैशियर बन जाना, पप्पी को लगा देंगे उस पे. मैं तलते रहूंगी. नहीं नहीं देखो चाय चाय देने में लगाएंगे ना, तो चाय देना चाय चाय चाय. सो गाइस ये क्वेश्चन है Money25263, हाइफा प्रेग्नेंट है लगता. मुमानी बोल रहे थे कुछ खाना, तो बोल खाना है तो बोलना, मैं बना के दे दूंगी. ऐसा प्रेग्नेंट लोग को ही बोलते हैं. सो गाइस हाँ सही बात है, ऐसा प्रेग्नेंट लोगों को बोलते हैं, नॉर्मल लोग को भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस. और जब भी ये गुड न्यूज होगी आप लोगों के साथ में तो जरूर हम शेयर करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप लोगों से हम छुपाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो जो भी चीजें होगी आप लोगों के साथ, छोटी से छोटी चीजें, हर चीज शेयर करेंगे जैसे हम आप लोग को बोलते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखी थी गाइज. मेरा आदमी हमारे लिए बहुत कुछ करता है. अगर आप लोग उनको हेट कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, बिकॉज आप अभी उनको जानते नहीं हो, ये वजह से आप कर रहे हो. वो जितने टाइम होते जाएगा वैसे वैसे आप लोग जानते जाओगे गाइज. तो चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग यही एंड करी हूँ. अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना.